राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग की मुरादाबाद जिला कार्य समिति की बैठक आज भारतीय बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुरादाबाद के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव के रामगंगा विहार स्थित आवास पर सम्पन्न हुई, जिसमें डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश माध्यमिक संवर्ग मुरादाबाद जनपद का जिला संरक्षक नियुक्त किया गया। वह उनका राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का बैच लगाकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मुख पत्र, शैक्षिक संकल्प पत्र का स्मृति चिन्ह व भगवा गमछा भेंट कर फूलमालाओं से उनका अभिनंदन किया गया तथा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की सदस्यता व आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करते हुए शैक्षिक जगत की समस्याओं के समाधान व शैक्षिक उन्नयन के विषयों पर रणनीति तैयार की गई। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह ने राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का बैच लगाकर डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की सदस्यता ग्रहण कराई व प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने उन्हें जिला संरक्षक घोषित किया। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा आज जो मुझे सम्मान दिया है वो बहुत बड़ी चीज है। इस मौके पर मैं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री, जितने भी लोग हैं, सारे सदस्यों को अपनी तरफ से ये आश्वासन देता हूँ कि मैं तन मन धन से इस संघ का काम करूँगा, क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ एक बहुत अच्छे अपने में उद्देश्य लिए हुए है, राष्ट्र हित में है, पढ़ाई के हित में है, छात्रों के हित में है, अभिभावक लोगों के हित में है। इसलिए मेरा खुद मन है कि मैं इस संघ की जीवन पर्यंत सेवा करूं और जितना से ज़्यादा ज़्यादा सहयोग होगा, अन्य अच्छे लोगों को हम जोड़ेंगे, उतना लाभ होगा, क्योंकि जिस संस्था में जितने अच्छे लोग होते हैं वो संस्था उतनी अच्छी होती है, उससे देश का हित हो। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय व तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में 25 से भी अधिक राज्यों में शैक्षिक उन्नयन व शैक्षिक जगत की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुरादाबाद के पूर्व प्रधानाचार्य व शिक्षक नेता डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव का राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग का संरक्षक बनना शैक्षिक उन्नयन की दिशा में एक क्रांतिकारी कार्य सिद्ध होगा, क्योंकि डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव को शैक्षिक जगत, संगठन व सामाजिक क्षेत्र में सकारात्मक व सृजनात्मक कार्य करने का एक लंबा अनुभव है। उनके संरक्षण में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्कृष्ट कार्य करने की ओर अग्रसर होगा। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक संवर्ग की आज बैठक यहाँ डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव जी के आवास पर, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य हैं भारतीय बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुरादाबाद के आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में संगठनात्मक बिंदु, सदस्यता और आगामी कार्य योजना पर चर्चा परिचर्चा की गई और डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव जी को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ माध्यमिक संवर्ग के जिला संरक्षक के रूप में हमने दायित्व, उनका आशीर्वाद हमको मिला है। इसमें डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव जी का शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव और योगदान है, सामाजिक क्षेत्र में भी आप सक्रियता के साथ में कार्य करते रहे हैं, तो हमने ये आशा करते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ मुरादाबाद को और पूरे प्रदेश में डॉक्टर यादव जी के सानिध्य से, आशीर्वाद से निश्चित रूप से अच्छा दिशा और दशा प्राप्त होगी। किसान इंटर कॉलेज जहांगीरपुर के प्रधानाचार्य व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक व प्रत्येक विद्यालय तक राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की सदस्यता व विचार को ले जाया जाएगा व शिक्षक शक्ति को संगठित कर शैक्षिक उन्नयन की दिशा में मजबूती से कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष जोगेंद्र पाल सिंह, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव मोहन सिंह, जिला संरक्षक डॉक्टर ब्रजपाल सिंह यादव, जिला महामंत्री मुकेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष मेजर सुदेश कुमार भटनागर, प्रधानाचार्य डीएसएम इंटर कॉलेज काट, जिला कार्यकारिणी सदस्य विजय कुमार राम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर अध्यक्ष योगेंद्र कुमार, प्रवक्ता बलजीत सिंह, आकांक्षा विद्यापीठ इंटर कॉलेज मुरादाबाद के प्रधानाचार्य हिमांशु यादव आदि उपस्थित रहे।